हेलो बच्चों का फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पे। हम हैं नवोदन कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के परिचय के प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड और थर्ड पार्ट को। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पर हमें प्रूव करना है कि कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर का एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो भाई वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो यहाँ जब हम 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। सिमिलरली जब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस साइन ए। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम कौन सा पक्ष लेके आगे बढ़ रहे हैं, बायां पक्ष। तो यहाँ लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर अब क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए ए प्लस बी को होल स्क्वायर उसको ओपन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स साइन है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस साइन है कॉस। हमें पता है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और इधर क्या है, कॉस ए। तो 1 प्लस 1 कितना होता है आपका, 2। 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या जाएगा, 2 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 अपान कॉस है। और कॉस है क्या होता है, 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है, सेके के बराबर होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स सेके। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट प्रूफ होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5th के सेकेंड पार्ट को समझते हैं। यहाँ पे हम सर्वप्रथम बायां पक्ष लेंगे और बायां पक्ष लेने के बाद टेन थीटा और कॉस थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं तो ये साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा आता है। सिमिलरली इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए ये समझ लीजिए, ये न्यूमरेटर की पूरी वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये अल्टीमेटली नीचे हो जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इधर लिखते हैं तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा, जब ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये कॉस थीटा नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इधर वाले पार्ट को देखिए, अब देखिए इधर वाले पार्ट में ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ जब साइन माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट का एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा विद इन ब्रेकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ डिवाइड करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो मेरा क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। और हम एक फार्मूला जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है,
ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो अब इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले से ओपन कर देते तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में मेरा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो यहाँ पे वन पुट कर देंगे, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ इसको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो मेरा ये वाला क्या पार्ट आ जाएगा, वन अपन साइन थीटा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये वाला क्या आ जाएगा, वन बाई साइन थीटा। इसको अलग से फिर ब्रेक कर सकते हैं, वन बाई साइन थीटा वन बाई कॉस थीटा, वन बाई साइन थीटा मेरा क्या होता है, कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो और हमें अब यही चाहिए, और वन बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, और ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस साइड लिख दीजिए, इसको इस साइड लिख दीजिए, तो बात आ जाएगा वन प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। इस तरीके से ये सिद्ध होता है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।